बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आपको पता है कि दो चार दिन के बाद रमज़ान शुरू है, तो मैंने सोचा रमज़ान से पहले एक वीडियो आपको लगा दूँ। वीडियो की बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी कि बालों के लिए कोई अच्छा सा नुस्खा बताएं, क्योंकि आपको पता है गर्मियाँ शुरू होती है, सबसे ज़्यादा बालों के इशू शुरू हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, डैंड्रफ शुरू हो जाती है और बाल बहुत वीक हो जाते हैं, क्योंकि तकरीबन हर रोज़ ही सर धोना पड़ता है, शैम्पू करना पड़ता है, जिसकी वजह से बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि जो भी चीज़ हम लेकर आएँ वो ऐसी हो कि आजमुदा हो और आप लोगों को भी पता हो कि वाकई में इसके करने से आपको फ़ायदा हुआ है और एक ही दफ़ा में आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है और बहुत आसान सी रेमेडी है, और तकरीबन चीज़ें आपके घर में मौजूद ही होती हैं और एक आध चीज़ होगी जो आपको बाज़ार से लेनी होगी। तो इसमें सिर्फ चार या पांच इंग्रेडिएंट्स हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये नाज़रीन, ये कोकोनट मिल्क है कि मैंने इसके अंदर तकरीबन चार चमचे डाले हैं बड़े वाले भर के। तो ये कोकोनट मिल्क है, आपको पता है इसकी अफादियत से कोई सभी वाकिफ हैं कि इसका जो ऑयल है और जो मिल्क है ये दोनों बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और बालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, और जो बालों में रुखापन आ जाता है, गिरने लगते हैं वीक होके, तो ये स्ट्रॉन्ग करते हैं बालों को। और दूसरी चीज़ हमारे पास ये कोकोनट का ऑयल है, ये भी प्योर ऑयल है, गर्मी की वजह से ये पिघल गया है, नहीं तो ये होता है जमा हुआ। इसको भी हम मतलब ज़रूरत के मुताबिक ले लेंगे, अगर लंबे बाल हैं तो चार पांच चम्मच ले लें, और अगर और ज़्यादा लंबे बाल हैं तो आप क्वांटिटी बढ़ाते जाएँ इसकी, तो ये आपके अपने बालों के ऊपर है कि आपके बाल कितने हैं उसके हिसाब से आप ले लेना है। और ये नाज़रीन फ्लैक्स सीड है, जिसे अलसी कहा जाता है, इसको मैंने एक घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था एक प्याली में, और उसके बाद मैंने इसको पका के ये इसका जेल निकाला। ये देखें, ये इसका जेल मैंने निकाल के छान लिया। ये भी बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और बालों के अंदर बॉडी लेके आता है, सिल्की होते हैं बाल और शाइनिंग आती है बालों में इससे। और ये मायोनीज प्लेन वाला, तो आप अंडा भी ले सकते हैं इसके बदले में, लेकिन इसके वजह से जो स्मेल होती है वो अक्सर लोगों को पसंद नहीं आती, तो इसके लिए हम लोगों ने जो है ये मायोनीज का इस्तेमाल किया है। ये अंडे से भी ज़्यादा आपको फ़ायदा देता है, क्योंकि इसमें ऑलिव ऑयल भी होता है, एग भी है, और जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं वो बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो नाज़रीन आए शुरू करते हैं अपनी रेमेडी। मैंने यहाँ पे जो है ना कोकोनट ऑयल और ये एलो सॉरी ये मायोनीस को मिक्स कर लिया है। मैंने तीन चम्मच बड़े लिए थे मायोनीस के और तीन ही चम्मच मैंने लिए थे कोकोनट ऑयल के, और ये मैंने देखा इसको मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से। ये मैं तकरीबन एक शोल्डर तक जो बाल होते हैं लंबे उनके लिए बना रही हूँ। और अब ये कोकोनट ऑयल है, ये भी मैं तकरीबन तीन से चार स्पून ले रही हूँ, 1, 2, 3, 4। और ये जो है आपको मैंने बताया था कि ये अलसी के बीज, उसका मैंने जो निकाला था जेल वो है। और नाज़रीन इसमें एक चीज़ और भी है, वो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें हम लोगों ने शहद भी ऐड करना है, तो शहद मेरे पास रखा हुआ है तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, वो भी इसमें ऐड करना है 3-4 चम्मच। ये नाज़रीन ये शहद है, और ये शहद भी मैं इसमें 2 बड़े चम्मच ले रही हूँ। ये भी आप बालों के हिसाब से ले सकते हैं कम या ज़्यादा, और जो शहद है ये भी आपके बालों को बहुत अच्छा कर देता है, ये समझें आप एक केराटिन ट्रीटमेंट है। जिनके बात कर्ली होते हैं वो अगर इसको वीकली लगाना शुरू कर दें तो उनको किसी स्ट्रेटनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। ये देखें नाज़रीन, हमारे मास्क तैयार हो चुके हैं, अब आपको मैं इसकी एप्लीकेशन दिखाती हूँ। ये देखें, इसको आपने इस तरीके से लगाना है पूरे सर के ऊपर, और ये जहाँ जहाँ पे बाल हल्के हैं मैं इनको हाथ से लगाऊंगी ताकि अच्छे तरीके से लग जाएगा, और लगाने के बाद 5 से 10 मिनट मसाज करना है। और अभी तो आपको पता है गर्मियों का सीज़न है, और अगर सर्दियों में आप ये मास्क लगाएं तो आप टॉवल गर्म करके उसको भी अपने बालों के ऊपर रख सकते हैं, उससे क्या होता है कि ज़रा और अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। तो चूँकि अभी गर्मी है
तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये लगाने के तकरीबन एक घंटे के बाद आपने इसको वॉश करना है। ये जो मास्क है इसका बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट होता है, और दो या तीन दफ़ा में ख़ुद आपको बड़े वाज़ह फ़र्क महसूस होगा कि आपके जो बाल हैं इतने अचानक से घने, रेशमी और थिक हो गए हैं, और इनमें से जो डैंड्रफ थी वो बिल्कुल चली गई है और शाइनिंग आ जाती है। और अगर आप मुसलसल करते रहेंगे ये अमल महीने में दो दफ़ा, तो कम अज़ कम दो दफ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा तीन दफ़ा, तो आप ख़ुद इसका रिज़ल्ट देखेंगे। और ये बड़ा आसान सा है, एक दफ़ा चीज़ें लेके रख लें आप और बस बना लें जब आपका लगाने का मूड हो, और जब भी लगाना हो आपने इसको फ्रेश बना के मिक्स करना है। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। और प्लीज़ चैनल को जो है, आपको कोई वीडियो पसंद आती तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें, और कमेंट्स में बताया करें कि आप कुछ और अगर देखना चाहते हैं इस हवाले से, जो भी आप हमें बताएंगे हम आपके लिए वो बनाएंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।